हेलो एवरीवन, आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस स्पेशल वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम ओमकार साधना या ओम का उच्चारण किस तरीके से करते हैं। ओम ये जो शब्द है कि जिसे हम सभी जानते हैं, दैट दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव एनर्जी इन द नेचर अराउंड अस। ओम ये शब्द तीन अक्षरों से बना है, अ, उ और म। तो सबसे पहली बात कि ओमकार का उच्चारण करते समय हमें अ, उ और म इन तीनों अक्षरों को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, हमेशा ओम का उच्चारण करते समय हमें पहले एक सांस छोड़ देनी है, फिर एक लंबी गहरी सांस लेनी है और इसी सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए हमें ओम का उच्चारण करना है। तीसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे सप्त चक्रों में, हमारी एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे वाइब्रेशंस और स्टिमुलेशंस क्रिएट होते हैं। तो उच्चारण करते समय हमारा ध्यान हमेशा इन सप्त चक्रों पे, इन वाइब्रेशंस पे, और कौन सी एरिया में ये वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं उन सभी एरियाओं में हमारा ध्यान होना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जैसे हमें ये सारे बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। ओम का उच्चारण बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत माना गया है। वैदिक शास्त्रों में या योग शास्त्रों में भी इस उच्चारण का लाभ बहुत अलग अलग तरीकों से बताया गया है। हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए हमारी जो सारी सिस्टम्स है, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्व सिस्टम, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स पे जो भी ग्लैंड्स काम करते हैं, जो भी इंटरनल ऑर्गन स्टिमुलेशन रखने के लिए या बॉडी का इंटरनल फंक्शंस अच्छे से बनाए रखने के लिए जो भी ग्लैंडुलर सिस्टम काम करती है, ये पूरी ग्लैंडुलर सिस्टम पे ओमकार के वाइब्रेशंस का बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देता है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। उच्चारण हम चार प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो उच्चारण है कि जिसमें अ, उ का उच्चारण ये दीर्घ होता है करीबन 80% और म के वाइब्रेशंस या उच्चारण करीबन 20% होते हैं। इसके वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं हमारी नाभि से और ये बड़ी आवाज़ का, बड़े दीर्घ स्वर का उच्चारण होता है। तो देख लेते हैं, पहला दीर्घ ओम उच्चारण, जैसे मैं बैठी हूँ पूर्ण पद्मासन में, दोनों हाथों की वज्र मुद्रा मैंने की है, द्रोण मुद्रा मैंने की है और मेरे दोनों घुटनों पे रख दी है। पूरी स्पाइन मेरी स्ट्रेट है, सीधी है, नेक सीधा है, चिन पैरेलल है जमीन के फ्लोर के साथ और आंखें बंद। पूरा ध्यान है मेरा मेरी सांसों की तरफ। अभी एक सांस छोड़ देंगे, एक लंबी सांस लेंगे, यह है दीर्घ उच्चारण। इसके कंपन वाइब्रेशंस नाभि से शुरू हुए हैं। फिर करते हैं दूसरा ओम का उच्चारण कि जिसमें अ, उ और म ये तीनों भी इक्वल रेशियो में है, 50-50% रेशियो में है। इसके वाइब्रेशंस या कंपन हमारे चेस्ट एरिया से ऊपर की तरफ आने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। सेम पोजीशन, सुखासन, एक सांस छोड़ेंगे, एक दीर्घ सांस लेंगे, तीसरा उच्चारण कि जिसके वाइब्रेशंस हमारे कंठ या नेक से ऊपर की तरफ आने वाले हैं। इसमें अ, उ 20% और म दीर्घ है,
80%. Let's see this. एक सांस छोड़ेंगे, एक लंबी सांस लेंगे, और अभी चौथा या आखिरी ओम उच्चारण जो होता है पूरी तरह से मानसिक और इसके वाइब्रेशंस हमारे पूरे शरीर में पूरे संस्थान में क्रिएट होते हैं। इसके लिए सांस भरकर अपनी आंखें बंद करके हम अपने मन में ही जैसे हमें पसंद आए उसी तरह से ओम का पूरे दिल से पूरे मन से उच्चारण करते हैं। सो इस तरीके से चार अलग अलग प्रकार से, प्रकार वन में हम नाभि से कंपन क्रिएट करते हैं, टाइप टू में हम अपने चेस्ट रीजन से क्रिएट करते हैं वाइब्रेशंस, टाइप थ्री में हम अपना नेक और सारे जो पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनकी तरफ कंपनों को ऑब्जर्व करते हैं, और टाइप फोर में ये पूरी तरह से मानसिक ओंकार उच्चारण होता है कि जो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे विचार और हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सारे लेवल्स पे हमें एक से ऊपर एक बेनिफिट्स देते जाता है। सो ओंकार उच्चारण, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, योगिक स्टेप्स में इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स माना जाता है। जैसे धारणा, ध्यान, समाधि, ये एक एक लेवल आगे वाले स्टेप्स हैं कि जो हम साधना बहुत अच्छी रेगुलर कंसिस्टेंट साधना करके इनको पा सकते हैं। उसकी पूर्व तैयारी आप समझ लीजिए कि ये ओंकार साधना है। तो चलिए सभी लोग हम मिलकर आज से ही, इसी मौके से ही, ये बहुत ही पॉजिटिव ओंकार साधना या ओंकार उच्चारण की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। थैंक यू।